लेकिन चीटिंग बाजी नहीं, बहुत सही गुज्जा, कंटाल आता यार ऐसे खट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज है संडे और आज भी मैं एक सिटी राइड करूँगा, सिटी के बाहर नहीं जाऊँगा। तो वो कहाँ जा रहा हूँ मैं, वो आप लोग को मैं अभी आगे बता देता हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये है सुबह का माहौल, पूरा अंधेरा अंधेरा। ये अपनी बाइक, बस थोड़ी सी आप लोग से बात कर लूँ फिर राइड पे निकल जाएंगे। वेल एक्चुअली मैं इतनी सुबह वीडियो बनाने आ गया था कि धूप भी नहीं निकली थी और ये लाइट के सहारे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए ये लाइट, स्ट्रीट लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वही है। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो आप लोग को मेरी अहूरा होटल वाली वीडियो कैसे लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग को चांचा वाली बाबा की जो दरगाह पे मैं गया था वो वीडियो आप लोग को कैसे लगी है वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए बाकी बातें बाइक पे करेंगे, बाइक चलाते चलाते फिर बात करेंगे, है ना। तो फिलहाल आ चुके हैं हम अपनी बाइक पे और अभी थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है और ठीक सुबह के अभी 6:55 हो रहे हैं। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। और राइड स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। वेल आज भी मैंने ग्लव्स पहना नहीं है, जैसे मैंने चांचावली शाह बाबा की दरगाह पे ज़्यादा टाइम मैंने ग्लव्स नहीं पहने था, मैंने बोला था सिटी राइड है तो उसके लिए क्या ग्लव्स पहनना। तो आज भी मैं सिटी राइड ही कर रहा हूँ तो ग्लव्स पहनना कुछ मैं ज़रूरी नहीं समझा। और लॉन्ग राइड रहती है तो उसमें ग्लव्स पहन लेना वो सही रहता है। वेल आप लोग को मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को मतलब क्या बोलते हैं गेस करने देता हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तुझे डैश बीच घुमा दूँ आ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूँ आ चलती क्या। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओके। वेल एक्चुअली आप लोग को मैंने बताया नहीं कि आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे मैं दोपहर में भी जा सकता था, शाम में भी जा सकता था, इतनी सुबह ही क्यों जा रहा हूँ। तो उसका रीज़न एकदम सिंपल है, उसकी वजह है ये हाईवे, क्योंकि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है इससे अगर मैं दोपहर में या शाम में उस जगह पे जाऊंगा जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ तो फिर मैं तो पहुँच गया समझ लीजिए, मैं पहुँच गया, वीडियो बन गई। क्योंकि मुझे भारी भरकम ट्रैफिक में फंसना नहीं है इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह ही सुबह, कितनी भी सुबह हो जाए सुबह ही सुबह मैं राइड पे जाऊंगा। जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो जी आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह मेरे लोकेलिटी से 30 किलोमीटर दूर है और फिलहाल अभी मैं 11 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। मैं इसीलिए आज की राइड मैं सुबह के टाइम रखा था कि अब जितनी अभी मैं वहाँ से कितने समझ लीजिए मैं 7 बजे निकला था वहाँ से, ठीक है। अभी 7:10 हो रहे हैं तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर मैं कवर नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट मैं जोगेश्वरी क्रॉस कर रहा हूँ अभी। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा काम किया है कि मैं जैकेट पहन के आया हूँ, अच्छी खासी गुलाबी ठंडी लग रही है, कम से कम 22 डिग्री ठंडी होगी। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। वेल आप लोग अगर अभी तक वीडियो मेरी देख लिए हैं और आप नहीं समझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं बता दूँ आप लोगों को, लेकिन चीटिंग बाजी नहीं, आप लोग मेरा थंबनेल या टाइटल देख के मत मुझे कमेंट करना। मैं जा रहा हूँ आज अक्सा बीच पे। मैं एक्चुअली बहुत दिन से प्लान कर रहा था अक्सा बीच जाने का लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था, तो आज अभी सुबह का प्लान मेरा बन गया सोलो, मैं सोचा सोलो ही हो लो, है ना। आज से ठीक एक साल, हाँ लमसम एक साल हो गया होगा, एक साल पहले जब मैं मड आइलैंड गया था तो मड आइलैंड जाने से पहले
थोड़ा मतलब पहले अक्सा बीच पड़ा था, तो उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि यही अक्सा बीच है, मतलब पक्का था कि यही अक्सा बीच है लेकिन कंफर्मेशन नहीं था मुझे। तो बस आज वही रास्ते से मैं जा रहा हूँ अक्सा बीच चाचा की चाय पीने, है ना। अब यहाँ से लेना है मुझे राइट। ओके राइट बाबा राइट, अच्छा हो गया सिग्नल। हाँ बहुत सही गुज्जा। मैं लास्ट वीडियो में मड आइलैंड वाली वीडियो में ये मॉल को दिखाता था। कुछ भूला नहीं है तुम्हारा भाई, है ना। टोटल मैंने 21 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ से मारवे रोड लेना है, यहाँ से ले लूँगा मैं लेफ्ट मारवे रोड के लिए। अब यहीं से एकदम सीधा सीधा तान दूँगा। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग से पूछता हूँ आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, तो इस वीडियो में भी आप लोग से मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोग जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप में से कौन कौन लोग अक्सा बीच गया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जब पिछली बार मड आइलैंड गया था तो यही रास्ते से गया था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, मतलब एक साल पहले की बात हो गई है, नोटिस करी थी वहाँ के रोड बहुत रोड पे बहुत ज़्यादा खड्डे थे और कुछ रोड की रिपेयरिंग भी हो रही थी। तो अभी भी रोड बनी है कि अभी वही खड्डे खोदे इन लोग ने रिपेयरिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अक्सा बीच और मड आइलैंड एक ही रास्ते पे पड़ता है, तो ये देखिए बोर्ड लगा है मड अक्सा मारवे। अभी भी खड्डा अड्डा खुदे ले बाबा, ऐसा ला वन वे लेन को टू वे लेन बना दिए। अभी भी काम चालू है रोड का, खड्डे भी वैसे ही हैं रोड के, टू गुड। ये सब खड्डे को पोटहोल को देख के ना बहुत ज़्यादा चिढ़ोती है मेरे को, कंटाल आता है यार ऐसे खड्डे दिखते हैं तो। मैक्सिमम क्या मुझे हाईवे पे चलाने की आदत है, वहाँ पे रोड कितने भी खराब रहे सिटी से तो अच्छी रोड रहेगी। वो अक्सा बीच जाने के लिए ये रोड है, कितना छुट्टा नहीं है यार। भाई बीच पे जैसे गुराई बीच पे बाइक जाती है वही यहाँ पे नहीं जा सकती है क्या? बीच के उधर नहीं जाती। अच्छा उधर ही लगाना पड़ेगा। पे एंड पार्क ठीक है, बाइक लगा देता हूँ फिर मैं बात करता हूँ आप लोग से। ओके तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अभी अक्सा बीच पे। मैं ठीक 7:44 पे यहाँ पे टच हो गया था अक्सा बीच पे, और यहाँ से आप लोग यहाँ का व्यू देखिए मेरे पीछे समुंदर, एकदम आरी वाला समुंदर। और यहाँ पे क्राउड भी खूब अच्छा खासा क्राउड है, ये नहीं कि बहुत कम पब्लिक है, अच्छी खासी पब्लिक है यहाँ पे। यहाँ पे जॉगिंग करने की भी जगह है, लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई स्केट करने जा रहा है। जैसे अपना जूही चौपाटी में चटाई बिछा के कुछ आपको भेलपूड़ी या गोला वगैरह कुछ खाना रहता है, वैसे यहाँ पे भी है, वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ अभी। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो आप लोग यहाँ का व्यू चेकआउट कीजिए, ये बीच तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया बीच है ये। लेकिन एक चीज़ क्या है पता है मुझे, गोराई बीच की याद आ रही है, गोराई बीच भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये है, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा है। लेकिन वहाँ पे बाइक जा सकती है, यहाँ पे बाइक नहीं जा सकती, बस ये डिफरेंस है।
यहाँ से अभी मैं आया था और जहाँ ये झंडा दिख रहा है, आप लोग को कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, झंडे के बाजू में जॉगिंग करने के भी जगह है। यहाँ भी देखिए कुछ लोग बैठे हैं। अरेबियन सी। तो अभी मैं कुछ खा नहीं, कुछ पी लेता हूँ, फिर आप लोग से बात करता हूँ, और वो पीते पीते आप लोग से मैं बात करूँगा, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं नारियल पानी पीने आया हूँ। स्वामी। और यहाँ पे कुछ लोग योगा कर रहे हैं। गोला वोला पीना है तो गोला भी मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे, आइसक्रीम वड़ा पाव। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अनुज। अनुज। अनुज भाई। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो अभी मैं इसकी मलाई खाऊंगा, ये नारियल पानी की। सिर्फ खाऊंगा। तो आप लोग कभी भी अक्सा बीच आएंगे तो अनुज भाई से जरूर मिलिए, ये मस्त नारियल पानी बना के देंगे आप लोग को। और बैठने की जगह चाहिए तो बैठने की जगह भी इनके पास, अनुज भाई के पास, एक बार इनसे रब्ता जरूर करिए आप लोग। वाकई में ये मुंबई का बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा बीच है, एकदम नीट एंड क्लीन है। ये नहीं कि कहीं भी कचर कुंडी कुछ भी फेंक दी गई है, एकदम अच्छा नीट और क्लीन है। अच्छा है ये बीच, बैंड्रा के पास नहीं है या माहिम में कहीं भी आसपास में नहीं है। अगर वहाँ सब जगह होता तो यहाँ पे आपको सिर्फ पान का थूक और कचरा और बाकी आप समझ जाइए, शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए, क्या बोलूँ। ये बीच पे बहुत से लोग जॉगिंग करने आते हैं, वॉलीबॉल खेलने आते हैं, बच्चे लोग के साथ अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। और स्पेशली अगर आपको जॉगिंग ही करना है तो ये देखिए, अभी कैसे दिखाऊं, ये मेरी उंगली से एकदम सिरे पे देखिए आप, वहीं पे लोग, वहाँ से लेकर पूरा आगे तक लोग जॉगिंग करते हैं। तो एज़ पर माई ओपिनियन, अगर आप लोग को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, अगर हाँ आपको अपने फैमिली के साथ, मतलब बीवी बच्चों के साथ अगर आप लोग को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है तो बहुत अच्छा बीच है ये, और दोस्तों लोग के साथ आएंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो वाकई में ये बीच उम्मीद से ज़्यादा बड़ा है, जितनी आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा ये बीच बड़ा है। अगर इसको मैं पूरा घूमना चाहूँ तो ये ऑलमोस्ट समझ 3 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए, पूरा 3 किलोमीटर का ये बीच है। अभी तो आप लोगों को कैमरे में कम दिख रहा है, ये बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक। तो यहाँ पे 2-3 ग्रुप कबड्डी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इसलिए आप लोग को वीडियो में इतनी आवाज़ें नॉइज आ रही है। और आप ये मत समझना वीडियो देख के कि यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2-3 ग्रुप वॉलीबॉल और कबड्डी खेल रहे हैं इसलिए ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, करते इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दें। मिलता आप लोग दूसरी वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दी अनदर वीडियो। ओके, टाटा बाय।